औलिया अल्लाह की अमूमन करामतें बयान की जाती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब सिर्फ करामात ही बयान की जाएंगी, मायारे विलायत बयान नहीं होगा, तो मुख्तलिफ लोगों की शोबदाबाजियों को लोग करामत समझ लेंगे और उनके पीछे चल के अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे। इसलिए हमें इस बात का पूरा पूरा इदराक होना चाहिए कि वली किसे कहते हैं और उस मायार पर हम किसी को देखें, इसके बावजूद उसका मामला अल्लाह के साथ है, क्योंकि नबी अपनी नबूवत का ऐलान करता है, वली अपनी विलायत का ऐलान नहीं करता। नबी के ऊपर लाजम है, वाजिब है कि वो बताए कि मैं नबी हूं, लेकिन ये चीज़ वली पर नहीं है। वो तो कोशिश करते हैं कि लोगों की निगाहों से छुप जाएं, लोगों से पोशीदा रहें। वो अपनी विलायत के लिए तशहीरी मुहिम नहीं चलाते, बल्कि वो खल्के खुदा की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कोशिशें रहते हैं। करामात का सुदूर हो जाना मुमकिन है, अगर कोई करामत सादर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये उनका मकसूद नहीं होता कि हमसे किसी करामत का ज़ुहूर हो। कभी कभार किसी ऐसी हालत में किसी करामत का सुदूर हो जाता है। तो वली दो सिफात का हामिल है, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, जो कुरान ने बयान फरमाया। एक तो वो मोमिन कामिल होगा, कामिल मुसलमान होगा, और दूसरा वकानु यत्तकून, वो परले दर्जे का मुत्तकी होगा, आला दर्जे का परहेजगार होगा, उसकी जिंदगी तकवे से इबादत होगी, उसके शबो रोज हिज्म एहतियात से गुजरेंगे, वो शरीयत बैजा पे अमल पैरा होगा और शरीयत की जानब से मना करदा चीज़ों से अपने आप को बचा के रखेगा। उसकी ज़िंदगी के अंदर लगवियात नहीं होंगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर फजूलियात नहीं होंगी, उसकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म और मुरत्तब होगी। वो ख्वाहिशात का असीर नहीं होगा, वो आरज़ुओं का बंदा नहीं होगा, वो मालो ज़र का पुजारी नहीं होगा, वो हवस ज़दा नहीं होगा, वो लालची नहीं होगा, मुतकब्बिर नहीं होगा, मुतमर्रद नहीं होगा, सरकश नहीं होगा। उसकी नज़र लोगों के दिलों पे होगी, लोगों की जेबों पे नहीं होगी। वो ख्वाहिशात की दुनिया का बासी नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह के कुर्ब का मुतलाशी होगा और कुर्ब की जो मंजिल उसे मुयस्सर है उससे वो आगे जाना चाहेगा। उसकी आरज़ू ये होगी कि मुझे अल्लाह की कुर्बतें और नसीब हों। हर लहजा नया तूर नई बरके तजल्ला, अल्लाह करे मरहलाए शौक ना होता है। वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसकी आरज़ू ये होगी कि मुझे अल्लाह का जितना कुर्ब नसीब हो जाए वही मेरे लिए गनीमत है और वही उसकी ज़िंदगी का मतमाए नज़र है, उसकी ज़िंदगी का सुरूर, उसके बातन का जमाल बस इसी में है कि उसे अल्लाह की कुर्बतें हासिल हों और वो रिजाए इलाही के लिए कोशिश होगा। मखलूक उसके गिर्द जमा हो, लोग आए, वो उनकी ज़रूरतें हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी, उसकी ज़रूरत रब की रजा है। और आने वाली मखलूक पर शफकत उसका मिजाज होगा। आप खुलासा तसव्वुफ का सुनना चाहें, अल्लाह के वली का मिजाज देखना चाहें, तो इन दो जुमलों में हर शय समो दी गई है। अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह व शफ़क़तु अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला जल्ला शानू के अहकाम की ताज़ीम, अल्लाह ताला के जानब से जो हुक्म बंदे के ऊपर आयद होते हैं उनकी तकरीम और उनकी ताज़ीम करना, यानी उनको बजा लाना ताज़ीम और तकरीम के साथ। और दूसरा व शफ़क़तु अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत से पेश आना, मखलूक के साथ रवैये खूबसूरत होना, हुकूकुल्ला और हुकूकुल इबाद दोनों की खूबसूरती के साथ अदायगी, ये अल्लाह के वलियों का शियार है। वो अल्लाह के हुकूक को भी पामाल नहीं होने देते,
اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے. اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے اور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھے, اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو, نفع کا ذریعہ ہو, اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو, گمراہی کا سبب نہ ہو, اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو, زحمت کا سبب نہ ہو. تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا